हेलो मेरे प्यार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के काव्य साहित्य के बहुत ही प्रमुख कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व उनकी कृतियों को देखने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगर हम बात करें बच्चों, तो ये मतलब जितना योगदान इनका काव्य साहित्य में है, उतना ही गद्य साहित्य में भी है। ये क्योंकि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं बहुत ही ज्यादा की है। तो चलिए हम देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां। और आपको पता होगा कि भाई ये जो टॉपिक है 5 नंबर में पूछा जाता है। और आपको बता दें बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है काव्य में, क्योंकि अगर आप 2023 का भी सेट उठाएंगे ना, तो लगभग 4 से 5 सेट में पूछा गया था। 2022 में भी जाएंगे 3 से 4 सेट, 21 में भी जाएंगे 4 से 5। मतलब ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 सेट में तो होता ही होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय और साथ ही साथ इनकी कृतियां। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको सजेस्ट करता है कि आप 80 शब्दों में लिखिए। ठीक, तो भाई 80 से 100 हो जाएं, कम ना होने पाए, इतना भी ध्यान देना है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में तो 150, 250, 200, 250, 300 शब्दों तक हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये जो गलती कर देते हैं ना, कि जो ये चीज लिखा होता है उस पर गौर नहीं करते, और वो 250, 300, 400 शब्दों में पड़े रहते हैं और बाकी के टॉपिक उनके छूट जाते हैं। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए इस बात का ध्यान देना। और चलिए देख लेते हैं किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से अपने को लिखना है। ठीक, चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी कि जीवन परिचय। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों जीवन परिचय की, कि अपने को जीवन परिचय कैसे लिखना है। अब जीवन परिचय में हम बार बार आपको बताते चले आए हैं, कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, जीवन परिचय में सबसे प्रमुख क्या होता है कि मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। ठीक, और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु कब हुई। अगर माता पिता के नाम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपका जीवन परिचय में मेंशन करना होता है। तो चलिए बच्चों, जीवन परिचय में हेडिंग बनाएंगे हम क्या लिखेंगे, देखिए। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे उलझे होते हैं कि सर सामान्य हिंदी में क्या साहित्यिक परिचय भी लिखना है। तो बिल्कुल लिखना है बच्चों, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, तीनों चीज आपको लिखना है, चाहे आप सामान्य हिंदी वाले हो, चाहे आप साहित्यिक हिंदी वाले हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो बिहार के। आपके पास अगर जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, हम यही कहेंगे जो इसमें मेन टॉपिक है उसको थोड़ा हाईलाइट आप करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का जो इंप्रेशन होता है ना, कहते ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अच्छे से लिखा है और जो मेन पॉइंट है अगर आपने अंडरलाइन किया है, एग्जामिनर की निगाह सबसे पहले उस पर पड़ती है। फिर क्या करते हैं, वो मेन मेन पॉइंट को देख करके, और आपकी लिखावट अच्छी है, पूरे के पूरे नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा, फिर काफी तुरंत वो दूसरा पेज पलट देगा। इसलिए इस बात का ध्यान देना, जो मेन पॉइंट है हाईलाइट करिए। जैसे यहां रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो बिहार, तो बिहार को अंडरलाइन कर दीजिए, बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया। ठीक, जो मेन मेन स्थान है उसको अंडरलाइन आप कर दीजिए, मतलब काली पेन के साथ। ठीक, सिमरिया। ठीक, तो बिहार जिले के, सॉरी अगर हम बात करें तो जो बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय, ठीक, पटना विश्वविद्यालय से क्या किया, बीए उत्तीर्ण करके, यानी यहां से इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया। कहां से बच्चों, पटना विश्वविद्यालय से। तो पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करके कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी, ठीक, हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ठीक, जब बीए इनका हो गया तो ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। आगे लिखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार, मतलब दोनों से इनको नवाजा गया था। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा
पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत होने के बाद इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी इनको पद्म भूषण और उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पुरस्कार जिसको भी प्राप्त हो जाता है समझ लीजिए वो राष्ट्र कवि का दर्जा मिल गया उसको, ठीक। क्योंकि ये भाई सरकार की तरफ से इनको ये प्रदान किया जाता है ना, तो जब इनको प्राप्त हुआ तो उसके बाद इन्हें क्या है राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे लिखेंगे हिंदी साहित्य का यह सूर्य 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में सदा के लिए अस्त हो गया। मतलब लैंग्वेज ऐसा आप इस्तेमाल करिए जो देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक। ऐसा नहीं कि ये कवि इतने सन में मर गया तो ये पढ़ने में बड़ा आपको अजीब लगेगा। यहां से लिखेंगे कि ये महान साहित्यकार सदैव के लिए सो गया, या सदैव के लिए चिर निद्रा में सो गया, या सदैव के लिए अस्त हो गया। तो ये शब्द थोड़ा सुनने में अच्छे लगते हैं और लिखने में भी भाई अगर देखने वाले को भी अच्छा लगता है पढ़ने वाले को, ठीक। इसलिए इस तरह से आपको लिखना है। तो ये रहा जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आपको इससे ज्यादा मेंशन नहीं करना है। आप क्वेश्चन बैंक लोगे ना इसका 3 गुना 4 गुना है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कितना लिखें। डोंट वरी, हम है ना इतना लिखना है। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब हम देख लेते हैं इसका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में अपने को क्या लिखना है ध्यान देना, हमारी जो हेडिंग होगी वो साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय हम हेडिंग बनाएंगे और साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए कि देखिए साहित्यिक परिचय में होता क्या है बच्चों कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, ठीक। साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की, अपना योगदान कैसा दिया, मतलब ये सब इनका होता है। तो लिखेंगे कि अपने राष्ट्रीय भाव से, अपने राष्ट्रीय भाव से लोगों की चेतना को नई ऊर्जा देने वाले राष्ट्रीय जो कवि हैं दिनकर जी, ठीक। यानी अपने राष्ट्रीय भाव से लोगों की चेतना को नई ऊर्जा देने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक। यानी ये छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उन्हें प्रगतिवादी, ठीक, उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यानी ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं प्रगतिवादी कवि के अंदर भी इनका दर्जा सर्वोत्तम है, यानी सर्वश्रेष्ठ कवि भी इसमें समझा जाता है। इन्होंने सौंदर्य प्रेम राष्ट्र प्रेम, ठीक, और साथ ही साथ लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य की रचना की। अनेक विषयों पर क्या किया बच्चों, काव्य की रचना की। आगे लिखेंगे कि दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली। यानी दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका कारण पता है बच्चों, चलिए हम बताते हैं। क्योंकि इन्होंने लिखे, आगे थोड़ा लिखना चाहेंगे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है बच्चों, आपका कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध रचना को अलंकृत किया सजाया, लिख सकते हैं या लिखा कुछ भी। हमने बोला ना हिंदी में जितना अच्छा शब्द आप लिखेंगे पढ़ने वाले को उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक। इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा इसी मतलब ये साथी मतलब क्रांतिकारी कवि का दर्जा इसलिए भी दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक रचना जो कुरुक्षेत्र, ठीक, जो आपका कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, हुंकार है, ये मतलब कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें क्या है वीरता का, वीर गाथा, इन सब का जिक्र ज्यादा हुआ है, ठीक। तो वही लिखेंगे कि क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध रचना को सजाया या प्रसिद्ध रचना को अलंकृत किया, मतलब कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इतना आपको लिखना है बच्चों किसमें, साहित्यिक परिचय में। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए बच्चों हो गया। अब साहित्यिक परिचय के बाद अपने को लिखना क्या है, कृतियां। ठीक, इनकी कृतियां कौन कौन सी थी, यानी कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की थी। तो कृतियां हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी समर्थ लेखनी से क्या किया था, गद्य और पद्य। देखिए हमने पहले भी बताया था बच्चों, इन्होंने क्या किया था, गद्य और साथ में पद्य दोनों ही क्षेत्र में सेवा की, यानी गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं की है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। अब देखिए यहां से जो रचनाओं में बात करें बच्चों, तो ये है काव्य कृतियां, ये है गद्य कृतियां। यानी काव्य अगर हम बात करें जिसको पद्य कहेंगे, तो पद्य में कौन कौन सी रचनाएं की हैं इन्होंने, तो उसमें रचना है बच्चों रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, एक हरिनाम है तो हरिनाम होता है हरिनाम, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको बेहद जरूरी है याद करना, क्योंकि आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न शुरू के आते हैं ना, उसमें भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, या पूछ लेगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, आपके विकल्प दे देगा, या पूछ लेगा कि हुंकार किसकी रचना है इस तरह से, या पूछ लेगा हुंकार है क्या गद्य या पद्य के रूप में, तो कई तरह से क्वेश्चन बनाता है बहुविकल्पी में भी। तो ये इनकी काव्य कृतियां थी। और गद्य में बात करें तो गद्य में मिट्टी की ओर, साथ में अर्धनारीश्वर जो प्रमुख रचना है इनकी, संस्कृत के चार अध्याय बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और काव्य की भूमिका, साथ में वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, और इसके साथ ही दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी आदि इनकी क्या थी, रचनाएं थी। ठीक, तो ये है गद्य और पद्य दोनों में, ठीक, ये काव्य कृतियां हैं यानी पद्य में रचनाएं हैं, और गद्य कृतियां यानी गद्य में इन्होंने ये रचनाएं की हैं। तो इस तरह से क्या है, आपको हमने बताया कि गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने अपना योगदान दिया, और इनकी काव्य कृतियों में हमने गद्य और पद्य दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर सजा दिया है। उम्मीद है बच्चों कि इस तरह से अगर आप लिखेंगे, डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक, इसलिए आपको सेम इसी तरह से लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपकी कॉपी भी अच्छी दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।